जय हिंद। देखिए, हम कर रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम डाल चुके हैं, और इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट है जो रिसेंट की हिस्ट्री हम कर रहे थे, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे दो दो लेक्चर पढ़ते हैं, एक पॉलिटी का एक हिस्ट्री का, तो जो सिक्वेंस होता है तो उससे कई बार जो हो तो दिक्कत होती है कि पॉलिटी का पढ़ा है फिर उसके बाद हिस्ट्री का। तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सिक्वेंस पूरे मिलेंगे, हिस्ट्री के पॉलिटी के अलग अलग, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देखेंगे वीडियो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, हम यहाँ पे बौद्ध धर्म कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में हमें फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं, सेकंड लेक्चर है, और यहाँ पे हम लास्ट में इसके अलावा जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। जैसे कई बार हमको लर्न करने में दिक्कत होती है या कन्फ्यूजन होती है, तो वो पॉइंट हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बौद्ध संघ ये पॉइंट मैंने करवा दिया था पुराने लेक्चर में भी, कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती थी, 15 वर्ष। कितनी होती थी, 15 वर्ष न्यूनतम आयु होती थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन अभी ऐसा आ जाए कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती थी, तो 15 वर्ष होती थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। और बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था उपसंपदा। क्या बोला जाता था, उपसंपदा बोला जाता था, उपसंपदा बोला जाता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे चार आर्य सत्य की बात की गई। कितने, चार आर्य सत्य की बात की गई यहाँ पे। तो चार आर्य सत्य हमारे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यदि आप किसी बुक में देखेंगे तो कई बार समझ में नहीं आएगा कि ये चार आर्य सत्य हैं क्या, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे पहला आर्य सत्य है हमारा दुख। क्या, दुख, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि संसार जो है तो दुखों से भरा है। क्या है, संसार दुखों से भरा है, ठीक है। संसार दुखों से भरा है, दुखों से भरा है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना, संसार दुखों से भरा है, पहला आर्य सत्य हमारा ये है, ठीक है। यदि हम दूसरे आर्य सत्य की बात करें तो हमारा दूसरा आर्य सत्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दूसरा आर्य सत्य क्या है, समुदाय। क्या, समुदाय, क्या, समुदाय है। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो हमारा दूसरा आर्य सत्य है, तो इसका अर्थ होता है कि जो संसार है इसके दुख का कारण है। क्या है, दुख का कारण है, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा दुख का, तो दुख का कारण है, ठीक है। दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और दुख का कारण क्या है, तृष्णा, इच्छा, ठीक है। तो समुदाय का अर्थ क्या है, दुख का कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण है, ठीक है। इसका अर्थ यह होता है। यदि हम तीसरे आर्य सत्य की बात करें यहां से, तो हमारे पास तीसरा आर्य सत्य यहां से क्या है, तीसरा आर्य सत्य हमारे पास यहां पर निरोध। क्या है, निरोध, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, हमारा दुख का निवारण है। क्या है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण है, ठीक है, दुख का निवारण है। यहां पे क्या करेंगे, दुख का निवारण है, ठीक है, मतलब दुख को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं। यदि हम यहां पे बात करें तो यहां पे जो चौथा है आर्य सत्य, वो क्या है, मार्ग। क्या है, मार्ग। तो दुख के निवारण के लिए कौन सा मार्ग है, तो दुख के निवारण के लिए जो मार्ग बताया गया है तो वो कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग। दुख के निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए कौन सा मार्ग बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग बताया गया, कौन सा मार्ग बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो ये हमारे चार आर्य सत्य हो जाते हैं। पहला जो आर्य सत्य है तो वो क्या है, दुख। तो संसार दुखों से भरा है, दुख संसार दुखों से भरा है, इसका अर्थ ये हो जाता है। समुदाय, समुदाय का अर्थ क्या है, दुखों का कारण है, ठीक है, दुखों का कारण है, और दुखों का कारण क्या है, तृष्णा। तीसरे की यदि हम बात करें तो निरोध, निरोध का अर्थ क्या है, निरोध का अर्थ है कि जो दुख है उसका निवारण है, यानी दुख से हम दूर हो सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, क्या है, जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, तो दुखों अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से दूर हुआ जा सकता है, ठीक है। यहां से हमारे चार आर्य सत्य हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का मतलब आठ
आठ चीजें महात्मा बुद्ध ने बताई जो निर्वाण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग जो तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब से ढूंढना है और याद करना। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? यही सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको आठ चीजें मिलेंगी, ये आपके लिए क्या रहेगा, HW आपको देखना है। ठीक है, एग्जाम में ये कभी ऐसे नहीं आएगा कि कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, यही आएगा कि अष्टांगिक मार्ग को किसने दिया, तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। परम लक्ष्य क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण का अर्थ क्या है, निर्वाण का अर्थ क्या है, दीपक बुझ जाना। क्या हो जाना? दीपक बुझ जाना, दीपक बुझ जाना। ठीक है, दीपक बुझ जाना, दीपक बुझ जाने का अर्थ क्या है, जन्म मृत्यु के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, यहाँ पर 10 सील दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध ने 10 सील दिए हैं। अब ये 10 सील क्या है, ये नियम है। क्या है? नियम है। तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके लिए 10 नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 10 नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने सील दिए, या संघ के लिए जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए कितने सील दिए, तो 10 सील दिए। ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे तो उनके लिए 5 सील दिए, उनके लिए 5 नियम कानून दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। यदि गृहस्थों के लिए पूछे कि गृहस्थों के लिए कितने सील, तो 5 सील। ठीक है, अब यहाँ पे मार्ग की यदि बात करें तो मध्यमा प्रतिपदा मार्ग था। क्या था? मध्यमा प्रतिपदा मार्ग था। क्या था? मध्यमा प्रतिपदा मार्ग था। इसका अर्थ ये है कि ना तो ज्यादा कठिन और ना तो ज्यादा सरल, ना तो ज्यादा कठिन, ना ज्यादा कठिन और ना ज्यादा सरल। ठीक है, ना ज्यादा कठिन और ना ज्यादा सरल। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। जबकि यहाँ की हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म हमारा क्या है, बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन है। ठीक है, क्या है? बहुत कठिन है। ठीक है, उसमें कड़ाई से जो हो तो ये इस चीज के अहिंसा के बारे में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, जो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, तो सर्वाधिक किस कला शैली में पाई गई हैं? तो गंधार कला शैली में पाई गई। किस कला शैली में? गंधार कला शैली में पाई गई है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत और भूटान क्षेत्र में किसने किया, तो पद्म संभव ने किया। किसने किया? पद्म संभव ने, पद्म संभव ने। ठीक है, पद्म संभव ने इसका प्रचार प्रसार तिब्बत और भूटान के पड़ोसी क्षेत्रों में किया। ठीक है, यहां से आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। यदि हम यहाँ पे आगे बात करें कि हेमिस मठ, कुछ मठ हैं, 3 मठ, हेमिस मठ, हेमिस मठ कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? लद्दाख में। आपने सुना होगा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। ठीक है, तो वहां से आपको याद रखना है। और ये तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग दर्रा नाम सुना होगा, तो ये वहीं पर है। बोधि मठ की बात करें तो ये कहाँ है? बिहार के बोधगया में। ठीक है, ये कहाँ पर है? बोधगया में। ठीक है, कहाँ पर है? बोधगया में। तो इतने चीजें आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम इरेज करके कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने हमारी समितियां लिखी हैं कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी समितियां कब कब हुई। ठीक है, तो इसे मैं बहुत इजीली आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। ठीक है, और समितियों का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। समितियों का मतलब एक बड़ी बैठक जिसमें जो हो तो काफी सारे लोग बैठ करके डिस्कस करते थे चीजों को, तो उसे समितियां कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहली जो समिति है, पहली समिति है तो 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी 383 ईसा पूर्व में। तीसरी 250 ईसा पूर्व में। और चौथी 58 ईस्वी में। ठीक है, यानी प्रथम शताब्दी में हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहां से, ये डेट। अब स्थान की बात कर लेते हैं, मेन इनमें और इनमें कंफ्यूजन होगी और इसमें, तो मैं आपको तीनों को याद करवा देता हूँ। देखिए, पहली जो हुई तो राजगृह में हुई। कहाँ पर हुई? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और
उस समय पे राजा शासक कौन थे, अजात शत्रु, कौन थे अजात शत्रु। दूसरी वैशाली में हुई, अध्यक्ष साबक मीर और जो शासक थे तो कालाशोक, ठीक है। तीसरी पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मुगलीपुत्र और शासक अशोक। यदि चौथी की बात करें तो कुंडलवन, इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष, ठीक है, और उस समय शासक कनिष्क, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से करते हैं, ये तो आपने सब देख लिया, ट्रिक से हमें याद करना है तो याद यहाँ पे कर सकते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, बुरा नहीं मानना है किसी को, घर में यानी घर यानी ग्रह, ग्रह में ये मैंने वर्ड जो छोटे छोटे हैं जैसे मैं यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, जहां से ट्रिक हमारी निकल रही है मैंने वही शब्द केवल लिखे हैं। ग्रह में साली और पुत्र वन में, क्या है, ग्रह में साली और पुत्र वन में, ठीक है। तो ग्रह में मतलब घर में साली है और पुत्र कहाँ है, वन में पड़ा, ठीक है। तो ग्रह से क्या है, इस वाले की ट्रिक है, ठीक है। तो ग्रह से राजग्रह क्या हो जाएगा, राजग्रह, ग्रह से क्या हो जाएगा, राजग्रह। साली से क्या हो जाएगा, वैशाली, क्या हो जाएगा, साली से क्या हो जाएगा, वैशाली, ठीक है। यदि हम पुत्र से बात करें तो क्या हो जाएगा, पाटिल पुत्र, क्या हो जाएगा, पाटिल पुत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाटिल पुत्र। और यदि वन से बात करें तो क्या हो जाएगा, कुंडलवन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुंडलवन। तो ये आपको इजीली याद हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। ग्रह में साली और पुत्र कहाँ है, वन में, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। यदि हम इसकी बात करें आगे वाले की, ये जो हमारे अध्यक्ष हैं तो ये कैसे याद होंगे, ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। जब रिवीजन करेंगे तो यदि आपकी ये माइंड में रहेगी तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्रह में साली पुत्र वन में। आगे देते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष को इनको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, कोई लड़का है और उसने सब्जी बनाई, क्या बनाई, सब्जी बनाई, तो जो सब्जी की महक है, क्या महक, सब्जी की महक सब गली में, जो उसके आसपास की जो गलियां थी सब गली में फैल गई, ठीक है। और क्या हुआ, उसका जो मित्र था वहीं पे पास की गली में रहता था, जो अश्व मतलब घोड़े में यात्रा करता था, ठीक है, तो ये राइडिंग करता था, उसके पास भी वो महक पहुंच गई, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो महक, महक जो उसने सब्जी की बनाई थी सब गली में पहुंच गई, सब गली में पहुंच गई, ठीक है, और उसके मित्र के पास भी पहुंच गए जो घोड़े में चला करता था, ठीक है। तो यहाँ से महक से क्या हो जाएगा, महाकश्यप, क्या हो जाएगा, महाकश्यप, क्या हो जाएगा, महाकश्यप, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, महाकश्यप। सबसे क्या हो जाएगा, साबक मीर, क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, साबक मीर। और गली से मुगली पुत्र, गली से मुगली पुत्र, ठीक है, और मित्र से वसुमित्र, और अश्व से, अश्व से अश्वघोष, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होने वाली है आपको इसे याद करने में, तो इतना आप याद कर सकते हैं। बाकी हम आगे यदि हम देखें यहाँ पे जो शासक कौन थे, तो शासक कौन थे, अजात शत्रु, कौन, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, तो इसे भी मैं याद करवा देता हूँ आपको। जो शत्रु है, जो शत्रु है, यदि शत्रु को किसी का मर जाएगा तो क्या वो शोक मनाएगा, नहीं मनाएगा, बिल्कुल नहीं मनाएगा। तो यहाँ से देखिए शत्रु और यहाँ से शोक, शोक बिल्कुल नहीं मनाएगा यदि किसी का शत्रु मनेगा मारे जाएगा, ठीक है, शत्रु मरेगा तो शोक नहीं मनाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे शोक से अशोक, इससे रिलेट कर लेना है, शोक से अशोक, ठीक है, और फिर इसके बाद कनिष्क। तो शत्रु, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क, इजिली याद हो सकता है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होने वाली, ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। आगे यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो जो हमारी चौथी बौद्ध समिति थी, ठीक है, चौथी जो हमारी बौद्ध समिति थी, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कितने भागों में, दो भागों में, कौन कौन से भाग थे, इस ये जो चौथी वाली थी तो इससे दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान, एक हीनयान और एक महायान, हीनयान और एक महायान, क्या, हीनयान और एक महायान, ठीक है। जैसे हमने जैन धर्म में देखा था कि हमारा दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, एक क्या था, एक हमारा था श्वेतांबर और एक क्या था, दिगंबर, ठीक है। तो दिगंबर वाले दिशाओं को अपना ज्योत वस्त्र मानते थे, ठीक है, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीनयान महायान, तो यहाँ पे ज्यादातर साथियों को पता नहीं होता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, दिगंबर और श्वेतांबर में तो पता होता है लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो महायान होते हैं, जो हीनयान होते हैं, तो हीनयान जो निर्वाण को प्राथमिकता देते हैं, क्या देते हैं, निर्वाण को प्राथमिकता, ठीक है, निर्वाण को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है।
स्वयं के निर्माण के लिए, किसके लिए, स्वयं के निर्माण के लिए प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे आप स्वयं जोड़ लीजिएगा, स्वयं के निर्माण के लिए प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। और जब इनको निर्माण की प्राप्ति हो जाती है तो इनको क्या कहा जाता है, अहर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहर्त कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, अहर्त कहा जाता है। लेकिन यदि महायान की बात करें तो महायान ये कहते हैं, महायान यदि दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सेवा करना पड़े, ठीक है, और उनके कारण, उस सेवा के कारण यदि स्वयं के निर्माण में थोड़ा विलंब भी हो जाए तो ये लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब निर्माण के लिए, सेवा के लिए निर्माण में क्या हो जाए, विलंब भी हो सकता है, विलंब यानी देर से ये लोग निर्माण की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं दूसरों की सेवा के कारण, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। हे नियम स्वयं की जो हो तो निर्माण के प्राथमिकता देते हैं, और ये दूसरों की सेवा करते करते यदि इनके निर्माण के लिए विलंब भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अभी हम इसको इरेज करके कुछ चीजें बता देते हैं जो हमारा डिफरेंस है। इसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए और जब ग्रह त्याग किए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है कई बार, तो मैं वो सारी चीजें बता देता हूँ। इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह हम देख लेते हैं इनके। जैसे जब इनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, जन्म इनका कब हुआ, आपके लिए HW है, करिएगा। जन्म, जब जन्म हुआ तो इसके समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसके समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल था। क्या था, कमल, क्या था, कमल या तो सांड, ठीक है, क्या था, कमल या तो सांड, ठीक है। अब मैं इसे भी आपको याद करवा दूंगा। जन्म के यदि बात हम बात देखें तो जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, क्या किया, ग्रह त्याग किया, क्या किया, ग्रह त्याग किया, तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा था, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति, तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, पीपल का वृक्ष, पीपल, ठीक है, या तो बोधि वृक्ष, ठीक है। यदि हम आगे यहाँ पे बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद, इनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। क्या दिया, उपदेश दिया, ठीक है। तो उपदेश के लिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, चक्र, क्या होगा, चक्र, ठीक है। और इसके बाद यदि इनकी निर्वाण की बात करें तो जब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई तो इनके निर्वाण की प्राप्ति के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, पद चिन्ह। क्या था, पद चिन्ह, ठीक है। यदि हम आगे बात करें जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, स्तूप था। क्या था, स्तूप, ठीक है। तो अब मैं इसे याद करता हूँ आपको। देखिए कैसे, जब जन्म हुआ, जब जन्म हुआ, और जब आपने देखा होगा, यदि जिन लोगों ने भी विष्णु भगवान के जन्म को देखा होगा तो उनके जन्म के समय उनको एक शायद कमल के ही जो तो फूल के पत्ती के ऊपर उनका जन्म दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है कि जिस प्रकार से विष्णु भगवान कमल की पत्ती पर जो तो आए थे स्टार्टिंग में, सबसे पहले जब उनका जन्म हुआ, तो यहाँ से जो हमारे बुद्ध जी थे तो उनका भी जन्म कमल से रिलेट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको। यदि हम ग्रह त्याग की बात करें तो घोड़े पे, तो ऐसे आपको रिलेट करना है कि जो जब बुद्ध ने ग्रह त्याग किया तो किसके ऊपर बैठ करके गए, घोड़े के ऊपर बैठ करके गए थे, ठीक है। घर से भागे चोरी से तो घोड़े के ऊपर बैठ कर भागे थे, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये आपको इजिली याद हो जाएगा, पीपल या तो बोधि वृक्ष, पीपल या तो बोधि वृक्ष, ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद करना है। यदि उपदेश दिया तो उपदेश का समय चक्र, तो आपने देखा होगा जो हिंदू धर्म में जो भगवान होते हैं और जब वो उपदेश देते हैं तो पीछे उनके एक चक्र चलता है, ठीक है, ऐसे करके जो इसको ओरा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको रिलेट कर लेना है कि जो जब उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, चक्र था, ठीक है। आपको ऐसे रिलेट करना है कि उनके भी पीछे एक ओरा रहा होगा, ऐसे चक्र, ठीक है। निर्वाण की बात करें तो निर्वाण के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, पद चिन्ह, ठीक है। और मृत्यु के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, स्तूप था। तो मृत्यु के समय जब इनको रखा गया होगा तो ठीक है, लॉजिक लगता है कि स्तूप रहा होगा, ठीक है, इनको दफनाने के बाद, और जो तो इनका टॉम्ब टाइप बनाया गया होगा तो वो स्तूप हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम निर्वाण की बात करें, अब यहाँ पे कई सारे साथियों को इस बात में दिक्कत होती है कि निर्वाण और मृत्यु एक ही चीज है, तो निर्वाण और मृत्यु अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। निर्वाण का अर्थ ये होता है कि हमारी जो हमारी ने जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो योगी हैं, जो महात्मा हैं, उनकी भावना जब वो सारी चीजों से संसारिक मोहमाया से हट जाते हैं और वो जीवन मरण के चक्र से हट जाते हैं तो उसे बोला जाता है निर्वाण। क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। और ये मृत्यु अलग है, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है।
तो ये निर्माण के समय परचिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह था और मृत्यु के समय स्तूप था, ठीक है। तो हम इसे हम इरेज करके और कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था आपसे कि लास्ट में हम थोड़ा सा जैन और बौद्ध धर्म के बीच में कंपैरिजन करेंगे कुछ चीजें, दो चार पॉइंट, और इसके बाद फिर हमारा बौद्ध धर्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जैन वर्सेस बौद्ध धर्म में, ठीक है। बाकी आप पॉइंट निकालना चाहते हैं तो अभी बहुत सारे आप पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए एक HW ही है कि आप इनके बीच में डिफरेंस करके और भी बहुत सारे पॉइंट निकालिए, माता पिता ये सारी चीज़ों को लेकर के, और भी इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर कैसे उपदेश दिए। जैसे इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंस करके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने जो निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म की बात करें, यदि जैन धर्म, तो जैन धर्म जो है तो बौद्ध धर्म से ज्यादा प्राचीन है, ठीक है। क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। कौन है? 24वें तीर्थंकर है। और यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध हैं तो ये पहले नंबर के यहाँ से आते हैं, ठीक है, पहले नंबर के योगी हैं बौद्ध धर्म से। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो महावीर स्वामी का जो जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यदि हम इधर देखें तो महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 583 ईसा पूर्व में। और इनको निर्वाण यानी मृत्यु इनकी कब हुई? 463 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुई? 463 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यदि हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। और ये किस कुल के थे? तो ये ज्ञातृज्ञ कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञातृज्ञ कुल के थे। यदि हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो ये किस कुल के थे? तो शाक्य गण के थे। शाक्य गण या शाक्य कुल के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य गण से। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो ज्ञातृज्ञ कुल से, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए त्रिरत्न की बात की गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न है जैन धर्म में, ठीक है। तो त्रिरत्नों की बात की गई है और यहाँ पे त्रिपिटक की बात की गई है। किसकी बात की गई है? त्रिपिटक की बात की गई है। सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, मैंने ये सारी चीजें नोट करवा दी हैं पहले लेक्चरों में। यदि हम इनकी बात करें तो ये किस नदी के किनारे बैठ के तपस्या करते हैं? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जो त्र्यंबक नामक स्थान है वहां पे ऋजुपालिका नदी के तट पर तपस्या की। और किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। लेकिन हम यदि महात्मा बुद्ध की बात करें तो ये निरंजना नदी के तट पर, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बैठ करके तपस्या की, और बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है रिलेट करके। यदि हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि हम ईश्वर की बात करें, ईश्वर की, तो ईश्वर की मान्यता दोनों में नहीं थी। ईश्वर की मान्यता इसमें भी नहीं थी और इसमें भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन यदि हम आत्मा की बात करें तो आत्मा की मान्यता इसमें है। क्या है? आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है। और आत्मा की मान्यता की बात करें तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं है, ठीक है। यदि हम पुनर्जन्म और कर्मवाद की बात करें तो पुनर्जन्म और कर्मवाद का जो है तो यहाँ पे है, मान्यता है। और पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रिलेट हो रहा है। ईश्वर की मान्यता दोनों में नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता दोनों में है। लेकिन यदि हम आत्मा की बात करें तो आत्मा की मान्यता हमारे जैन धर्म में है लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। तो कन्फ्यूजिंग है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि जो महावीर स्वामी थे तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा का यूज किया था। किस भाषा का यूज किया? अपने उपदेशों में प्राकृत भाषा का। और महात्मा बुद्ध ने किस भाषा का उपयोग किया? तो पाली भाषा का उपयोग किया था अपने उपदेशों में, ठीक है। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। और ये यहाँ से बौद्ध धर्म ही खत्म हो जाता है और बौद्ध जैन वर्सेस जैन भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यदि आप और भी पॉइंट निकाल सकते हैं तो निकालिए, आपके लिए रिविजन के लिए अच्छा ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जब हम दूसरा लेक्चर के लेकर के आएंगे तो उसमें से हम कुछ जो और धर्म बचे हुए हैं, जैसे हमारा शैव धर्म, और इसके अलावा जैसे हमारा आएगा इस्लाम धर्म, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है कुछ पॉइंट, 20 से 25 पॉइंट। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे
जो तो इतिहास में हम प्रवेश करेंगे जहां से सिकंदर वगैरह आते हैं, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष हम कल चालू कर देंगे और कम से कम सिकंदर तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।